हेलो दोस्तों, मैं एमडी फैज़ान अकबर और आप देख रहे हैं अकबर टेक्नो चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ फील्ड ज्वाइंट कोटिंग कैसे किया जाता है। आज मैं इस वीडियो में प्रैक्टिकली करके बताया हूँ कि फील्ड ज्वाइंट कोटिंग कैसे किया जाता है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और वीडियो सही लगे तो लाइक करें, कॉमेंट करें और हमारे अकबर टेक्नो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मज़ीद आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दो पाइप को आपस में ज्वाइंट किया गया है जिसके दोनों साइड में 3LPE मिल कोटिंग पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के थ्रू किया गया है। वेल्डिंग के लिए इसके दोनों साइड में बेयर एरिया छोड़ दिया जाता है। वेल्डिंग कंप्लीट होने के बाद फील्ड ज्वाइंट कोटिंग किया जाता है। तो कोटिंग करने के लिए सबसे पहले ज्वाइंट को क्लीन एंड स्मूथ करने के लिए सैंड ब्लास्टिंग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सैंड ब्लास्टिंग किया जा रहा है। सैंड ब्लास्टिंग करते टाइम सेफ्टी का प्रॉपर ध्यान रखना ज़रूरी है। तो सैंड ब्लास्टिंग कंप्लीट होने के बाद इस पे लगे डस्ट को ब्रश के थ्रू क्लीन किया जाता है। फिर इसकी रफनेस को चेक करने के लिए प्रोफाइल गेज या प्रेसो फिल्म का यूज किया जाता है। तो प्रेसो फिल्म को ब्लास्टिंग वाले एरिया पे चिपकाएंगे और इसको रफनेस ले लेने के बाद इसे प्रोफाइल गेज से चेक करेंगे। प्रोफाइल गेज में इसका रफनेस 50-70 माइक्रोन होना चाहिए, जैसा कि आप प्रोफाइल गेज में देख पा रहे होंगे। इसके बाद ज्वाइंट को प्री हीटिंग करेंगे। प्री हीटिंग के लिए सबसे पहले स्टील को हीट करेंगे, उसके बाद फिर 3LPE को हीट किया जाता है। इसके बाद टेम्परेचर गन के थ्रू प्री हीटिंग टेम्परेचर 4 लोकेशन पे चेक किया जाता है, जिसकी टेम्परेचर 70-80 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। फिर प्राइमर को बनाने के लिए पार्ट ए एंड पार्ट बी को मिक्स किया जाता है। पार्ट ए पेस्ट एंड पार्ट बी हार्डनर होता है। अब इसे मिक्स कर ज्वाइंट पे अप्लाई किया जाता है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि हमारा जो प्राइमर है उसे किस तरह से अप्लाई किया जाता है। इसे कंप्लीट होने के बाद इसका WFT वेट फिल्म थिकनेस चेक किया जाता है, जिसकी थिकनेस 200 माइक्रोन होना चाहिए। इसके बाद हीट श्रिंक के सिलू को ज्वाइंट के सेंटर में मिनिमम 50 mm ओवरलैप करके लगाएंगे, जैसा कि आप सभी को वीडियो में दिखाया जा रहा है, और हीटिंग टॉर्च से हीटिंग कर ओवरलैप फेस को चिपकाया जाता है। फिर इसके टॉप में क्लोजर पैच को भी हीटिंग कर चिपका दिया जाता है। अब धीरे धीरे पूरे स्लीव को वन साइड से हीटिंग किया जाता है और रोलर के थ्रू अंदर फंसे हुए बबल को निकाल दिया जाता है। कोटिंग कंप्लीट होने के बाद वेल्ड मेटल एंड बेस मेटल पे थिकनेस चेक किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि पिल टेस्ट एंड होलिड टेस्ट कैसे किया जाता है। तो जब तक के लिए जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आप देख सकते हैं कि हमारा कोटिंग कंप्लीट हो चुका है।